विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना था, दूसरे विश्व युद्ध का अंत जापान पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने किया था, लेकिन आज के हालात ये है कि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और सबको लग रहा है कि पुतिन अब आगे क्या कर सकते हैं। पोलैंड की सीमा के करीब हमला करके पुतिन अपने इरादे जता दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन को रोकेगा कौन? इस सवाल पर सबकी नजरें अमेरिका पर टिक जाती हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, आधुनिक और खतरनाक हथियार हैं, वो सब कुछ है जो उसे दुनिया की सुपर पावर बनाता है। वैसे भी दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे की वजह अमेरिका ही था जिसने जापान पर एटम बम बरसाकर दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। लेकिन क्या बदले हालात में अमेरिका दोबारा ऐसा करेगा? अफगानिस्तान में जो हुआ उसे देखकर तो नहीं लगता। तालिबान के आने से पहले जिस तरह से अमेरिका ने बोरिया बिस्तर समेटा, उसने न सिर्फ सुपर पावर वाली उसकी छवि को धूमिल किया बल्कि पुतिन का हौसला भी बढ़ाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से बाइडेन अमेरिका में कटघरे में है। उनकी सरकार के सुस्त रवैये और इरादों पर उनके ही लोग सवाल उठा रहे हैं। पोलैंड जैसे नाटो देश जहां लगातार यूक्रेन की मदद करने की पहल करते हैं तो बाइडेन उससे इनकार कर देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए नाटो से मदद मांगी थी। इसके बाद पोलैंड ने अपने 28 MiG-29 फाइटर प्लेन यूक्रेन को देने का फैसला किया था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका देते हुए उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया। अमेरिका में ही बाइडेन के इस फैसले को लेकर आलोचना हुई और ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते। Because if you think Putin's going to stop, it's going to get worse and worse. He's not going to accept it, and we don't have anybody to talk to him. You had somebody to talk to him with me. Nobody was ever tougher on Russia than me. I'm the one that stopped the pipeline. I had it stopped. I'm the one that put all the sanctions on, and I'm the one that he didn't attack during our administration. हो सकता है कि ट्रंप अपनी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हों, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाइडेन की गाड़ी प्रतिबंधों से आगे नहीं जा पा रही और वो रूस से सीधी जंग से डरे हुए हैं। Every single inch of NATO territory, with the full might of the united and galvanized NATO, we will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent. चुनाव से पहले जो बाइडेन जनता से कहते थे कि वही पुतिन को रोक सकते हैं, लेकिन पुतिन ने ठीक उसका उल्टा किया। सवाल ये है कि क्या बाइडेन पुतिन को पहचानने में चूक गए? जो बाइडेन रूस ही नहीं चीन को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से ही रूस और चीन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं, जो मिलकर इस सारे विवाद के लिए अमेरिका को कोस रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के कदमों ने रूस यूक्रेन तनाव को एक टूटने के बिंदु पर धकेल दिया है। अपनी जिम्मेदारियों से दूर अमेरिका ने यूक्रेन पर चीन के रुख की आलोचना की। इस तरह की कार्रवाई चीन और रूस को दबाने के लिए है ताकि अमेरिकी अधिपत्य बनाए रखा जा सके। सोचिए जो चीन ट्रंप के दौर में सारी दुनिया में बदनाम हो रहा था, कोरोना फैलाने के आरोप से दबाव में था, बाइडेन के आते ही ताइवान को डराने लगा, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो वहीं चीन ताइवान के आसमान पर बेधड़क लड़ाकू विमान उड़ाने में जुट गया है। वहीं रूस भी नाटो देशों के बेहद करीब पहुंच गया है।
ज़ेलेंस्की अपनी बातों पे अड़े हुए थे और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि कैसे वेस्ट उनका साथ नहीं दे रहा है और यहाँ तक कि नो फ्लाई जोन बनाने के लिए भी अग्री नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उनके तेवर भी आप देख रहे हैं कि नरम पड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जब से पिछले 36 घंटों में रशिया ने अपना ऑफेंसिव बढ़ाया है और कीव के पास को बहुत ज्यादा है, अब वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, उसके बाद से ज़ेलेंस्की को शायद इस बात का रियलाइजेशन अब ये धीरे धीरे हो रहा है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है। दुश्मन को पहला पंच मारने की नीति पर चलने वाले पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपना दांव चल चुके हैं। पोलैंड के करीब हमला करके वो ये जता चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में अब गेंद बाइडेन के पाले में है। सवाल ये है कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका अब आखिर क्या करेगा। ये जो लड़ाई है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है और जब तक रूस को इसमें सफलता नहीं मिलेगी, जब तक वो वहां के राष्ट्रपति को बदल नहीं देते जो रूस का दोस्त हो, ऐसे राष्ट्रपति को जब तक नहीं बिठाते हैं तो मुझे लगता है कि ये रूस को रोकना बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन को डर है कि पुतिन उसके शहरों पर रासायनिक हमला कर सकते हैं। इससे पहले इन हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध, 80 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध और हाल ही में सीरियाई सरकार द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ किया गया था। रूस का कहना है कि उसने साल 2017 में अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद रूस पर दो बार रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होते देखेगी। कीव से कैमरामैन पवन कुमार, मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक।